गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज बबीता। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ए से लेके डी तक अल्फाबेट्स बताए थे, तो आज मैं आपको ई टू एच, ई से लेके एच तक अल्फाबेट्स के बारे में बताऊंगी। पहले है हमारा अल्फाबेट ई फोर। ई, ई फोर एलिफेंट। इसके लिए हम पहले ये ऐसे डॉट्स लगाएंगे, फर्स्ट डॉट, फिर दूसरा डॉट, थर्ड लाइन में, फिर एक सेंटर वाले में, ठीक है। फिर फर्स्ट डॉट के सामने फिर एक डॉट लगाना है, फिर थर्ड लाइन में फिर एक डॉट लगाना है उसके बराबर। फिर इसको फर्स्ट डॉट को ऐसे बना के वन स्टैंडिंग लाइन हमारी बन जाएगी। फिर इसी तरह फर्स्ट लाइन में जो डॉट दूसरी ओर बनाया है हमने, उसको ऐसे मिला के बन गया स्लीपिंग लाइन। फिर सेंटर में ये डॉट हमने लगाया हुआ है, इसको ऐसे मिलाना है। फिर जो थर्ड लाइन में हमारा डॉट बचता है, उसको भी ऐसे मिलाएं। ये हमारा बन गया ई फोर एलिफेंट। इसी तरह दूसरी बार भी ऐसे डॉट लगाने हैं। फिर फर्स्ट डॉट के सामने ऐसे डॉट, फिर सेकंड के सामने भी और थर्ड के सामने ऐसे, फिर इन डॉट्स को ऐसे मिलाना है। ये हमारा बन गया ई फोर एलिफेंट। आगे है एफ फोर फिश। एफ फोर फिश। ये ऐसे थ्री लाइंस में थ्री डॉट्स लगाने हैं। फर्स्ट डॉट के सामने एक डॉट ऐसे, फिर सेकंड डॉट के सामने फिर डॉट, फिर फर्स्ट डॉट को थर्ड डॉट से मिलाना है। फिर फर्स्ट डॉट के सामने जो एक डॉट लगा है उसको ऐसे मिला के, फिर सेकंड डॉट को भी ऐसे ही मिलाना है। ये हमारा बन गया एफ फोर फिश। इसी तरह दोबारा हम एफ फोर फिश बनाएंगे। थ्री डॉट्स लगा लिए, फिर फर्स्ट डॉट के सामने एक डॉट, फिर सेकंड में भी ऐसे, फिर इन डॉट्स को ऐसे बनाना है। ये हमारा बन गया एफ फोर फिश। आगे है हमारा अल्फाबेट जी। जी फोर ग्रेप्स। इसके लिए हम दो डॉट्स लगाएंगे फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में, इसको ऐसे बनाएंगे, ये कर्व बन गया। फिर इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले जाके स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारा बन गया जी फोर ग्रेप्स। इसी तरह दूसरी बार फिर ये डॉट्स लगाने हैं, इसको ऐसे कर्व की शेप देनी है, फिर इसको ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन ऐसे लगानी है छोटी सी, फिर इसको ऐसे नीचे हिलाना है। ये हमारा बन गया जी फोर ग्रेप्स। आगे है एच फोर हर्ट। इसके लिए हम फर्स्ट लाइन में फर्स्ट डॉट, फिर थर्ड लाइन में फिर एक डॉट, ये बन गया हमारा स्टैंडिंग लाइन का डॉट्स। फिर इसी तरह इसी के सामने फिर एक डॉट, फिर थर्ड लाइन में एक डॉट, इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। फिर सेंटर वाले जो पॉइंट्स हैं इनको भी ऐसे मिला के, ये हमारा बन गया एच फोर हर्ट। इसी तरह दूसरी बार फिर से लिखेंगे, दो डॉट लगा लिए, फिर इसी के सामने दो डॉट्स और लगा लिए, फिर इसको ऐसे मिलाना है, स्टैंडिंग लाइंस बन जाएंगी, फिर इनके सेंटर में छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया एच फोर हर्ट। तो बच्चों, आज हमने किया ई फोर एलिफेंट, एफ फोर फिश, जी फोर ग्रेप्स, एच फोर हर्ट। तो प्रिय अभिभावक, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में ई से लेके एच तक अल्फाबेट्स के बारे में बताया है, आप भी घर पे बच्चों को इसी तरह प्रैक्टिस करवाएं। धन्यवाद।